ठीक है। तो जैसे कि अभी 27 नवंबर का बैच हमारा चल रहा है और अभी हम सब स्टूडेंट्स को इस तरह के डोर लेकर के बोर्ड दिए, तो इसमें से इनके पास कुछ एक ऑन फोन भी निकला है इसमें से, कि इसमें से बहुत सारे ऑन भी रहते हैं, कुछ भी रहते हैं इसमें। अभी क्या किए भाई इसमें थोड़ा बताओ। बोर्ड दिए थे डोर लेकर का, ठीक है, जो ऑन था, ठीक है, ऑन कंडीशन में स्विचिंग देख के मोबाइल में देख के दिए थे सर ने, ठीक है। तो इसको मैंने निकाला ड्यूल डेकर को, रैम को, सीपीयू और रैम दोनों निकाले, सीपीयू को दोनों को निकाल के फिर से अच्छे से क्लीन अप करके लगाए, उसको रिवॉल्व करके फिर से लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार इधर बताना भाई, लाइव सब लोग कर रहे हैं ना अपने को, सबको मिला कुछ ना कुछ, एक बोर्ड मिला है, ये लाइव रिपेयर कर रहे ना अभी अभी, ठीक है। तो अभी इसका कुछ फोटो वगैरह लिए थे जो निकाले सीपीयू, फोटो मैंने लिया था। चलो ठीक है, क्या बंद लगा के बता दो, थोड़ा सा ऑन हो रहा है कि नहीं, क्या है पूरा सा ऑन करके। इसमें चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग को लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए चार्जिंग का लोगो आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जिंग का यहाँ पे लोगो आ चुका है। तो जब तक थोड़ा चार्जिंग होते रहता है ऐसे हो गया रखना। देखो परसेंटेज 89% है, थोड़ा ऑन भी कर दो, चार्जिंग तो है इसमें। देख सकते हैं ये सैमसंग A50 का मॉडल है, ऑन हो रहा। तो थोड़ा सा बताओ कैसा फील हो रहा है अभी? बहुत बढ़िया फील हो रहा है सर, अच्छा लग रहा सच में। उधर बताओ आपका फील कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है ड्यूल डेकर का काम करके, जैसे कि ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, ये सीपीयू हमने निकाल के रिबॉल किया, रिजल्ट आया, उसका ऑन हो गया मोबाइल, और आज ड्यूल डेकर का भी पेस्टेड था वो भी करके ऑन हो गया, तो बहुत अच्छा सा लग रहा है और कॉन्फिडेंस भी लेवल बढ़ गया है सर। तुम है कहाँ से वैसे, ये बता दो। मैं महाराष्ट्र, फोन पकड़ लो कोई खास से, कहाँ से? मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ, लातूर महाराष्ट्र से। इतनी दूर फोन फिक्स कैसे आ गए आप? फोन फिक्सर में इंक्वायरी कर रहा था बहुत दिनों से कि अच्छा सा काम सीखना था मुझे, ठीक है, छोटा मोटा काम कर लेता था लेकिन थोड़ा सा अच्छा सा काम सीखना था, तो इंक्वायरी कर रहा था और वीडियोस बहुत सारे देखता था मैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो आपकी सिखाने की टेक्निक जो थी और सागर सर की भी वीडियो देखता था मैं रिपेयरिंग के, ठीक है, और उनको फॉलो करके दुकान में भी काम कर लेता था, लेकिन मैंने सोचा कि यही काम मैं वहाँ पर जाके अगर सीखता हूँ तो प्रॉपर पूरा नॉलेज मिलेगा मुझे, इसलिए मैं इंस्टीट्यूट में आ गया। देखो एक बार ऐसा बताना, थोड़ा सा फोन ऑन हो गया है, थोड़ा सा उसे ट्रिगर चार्जर निकाल के लगा दो, थोड़ा देखो इसका पूरा फोन ऑन भी हो गया अभी, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है, लॉक है, लॉक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑन हो गया। एक बार इनके लिए थोड़ा क्लैप्स कर दो भाई, सब उधर उधर इधर को नहीं। तो ये लाइव रिपेयर करे ना भैया? यस सर, ठीक है। तो सब लोग करे अभी? आसान लगा कि हार्ड लगा? कर सकते ना, ये भी वही काम करे, आप भी यही करे, लेकिन सबको किसी को ऑन मिला, किसी को डेड मिला, एक आध दो इसमें ऑन भी निकल जाते हैं अभी, हो सकता है इसमें से और किसी के पास भी होगा। तो ये लाइव रिपेयर करे ना, बोर्ड तो नहीं चेंज करे ये? नहीं सर। स्टूडेंट आपसे ही पूछ रहा हूँ, नहीं करा ना चेंज? ऐसा तो नहीं कि बोर्ड पलटा दिया हमारा कोई बंदा यहाँ का लोकल का है, ऐसा तो नहीं है? और ये आप लोगों की टीम का लीडर भी होगा शायद? नहीं है, ठीक है। थोड़ा इधर आओ भाई, कोई आना चाहे यहाँ पे, इमरान क्या बोलना चाहेंगे, लातूर से या महाराष्ट्र से या पूरे ऑल ओवर इंडिया? लातूर से ही नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, ऑल ओवर इंडिया से भी अगर कोई आना चाहता है, तो जैसा कि स्लोगन है फोन फिक्स हैदराबाद का कि इंडियाज नंबर वन इंस्टीट्यूट मोबाइल रिपेयरिंग, तो ये सही बात है, यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला, ताकि हम ये मोबाइल वगैरह जैसा इन्होंने बता रहे हैं वैसा हम रिपेयर भी कर रहे हैं उसको। अच्छा। तो वो रिजल्ट हमें मिल भी रहा है, तो जो भी आना चाहता है यहाँ पे तो बिल्कुल आ सकता है, पूरा सीख के जाएगा, फ्रेशर आएगा तो भी सीखेगा, और जिसको थोड़ा सा काम आता है जो कि हमारी तरह, वो भी अच्छे से सीख के जाएगा, एडवांस लेवल का सीख के जाएगा। पहले दिन जब आप आए थे रिवॉल्विंग सिखाया आपको, फिर सीपीयू 4G का डला है, इससे पहले आप ऐसा लेवल पे काम कर पाते थे क्या? नहीं सर, ये लेवल पे काम हम नहीं कर पाते। कितने साल से कर रहे थे आप? तकरीबन 3-4 साल से तो काम कर रहे थे हम। अच्छा। लेकिन ये लेवल का काम हुआ नहीं, जो सेल्फ जो करता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तो खुद से ही पूछना, खुद से ही गलत होता है, तो जब टीचर का साथ होता है उसमें और टीचर एडवाइस जो देते हैं जो कि ट्रूली रहती है, वो जो सच्ची एडवाइस रहती है, तो उसको जब फॉलो करेंगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल सर। अच्छा, आप तो बहुत जगह
का सर्च करके आए, दूसरे मुंबई दिल्ली वगैरह गुजरात नहीं गए आप, क्या अलग दिखा यहाँ पे उनसे, वो दूसरे इंस्टीट्यूट को क्यों नहीं गए? दूसरे इंस्टीट्यूट से मुझे ऐसा लगा सर कि एक मैंने कॉल भी किया था दो तीन इंस्टीट्यूट में, तो वो कॉल उठा रहे थे, एक बार उठा लिया, बाद में तो फिर वो रिप्लाई भी नहीं कर रहे, और उनके जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो बार 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 कॉल करके पूछते हैं कब आ रहे हो सर, कब आ रहे हो सर, कब आ रहे हो सर। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये तो इनको बहुत अलग टाइप का लग रहा है, और जैसा आपको कॉल किया मैंने, तो आप जब भी कॉल करूंगा मैं, आपने उठाया, मतलब मैंने सोचा कि बाद में जो बैकअप देना है तो वो बैकअप भी मुझे मिल जाएगा यहाँ पर। तो इनका जो नेचर है तो बहुत सॉफ्ट है, फ्रेंडली है, और ऐसा लगता नहीं कि टीचर है, फ्रेंडली लगता है। मैं बार बार कॉल करके तो नहीं बुलाया आपको, आपने कॉल नहीं किया जब भी, लेकिन मैंने जब भी कॉल किया आपने रिसीव किया है। अच्छा, आप क्लास में होंगे तो बोल दिया है कि क्लास में है, आफ्टर क्लास कॉल कीजिए। तो आपको प्रैक्टिकल में कैसा, सर का कैसा है, क्या बोलना चाहेंगे सर के बारे? सर की मेथड बहुत अच्छी है सर, पूरा एकदम हमने ग्राउंड लेवल से सीखा है, रिपेयरिंग को, बोर्ड को समझा है सीधी तरह से, पूरे लाइंस वगैरह जो होते हैं उसमें, वोल्टेज की लाइंस वगैरह जो भी होती हैं, वो सब पूरी तरह से हमने सीख लिया। अभी मार्केट में ये काम बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, डबल डेकर का। हाँ सर, हम भी नहीं कर पाते, ठीक है, तो ये काम तो अपन सीख लिया, अभी इसे सीपीयू से हटके तो कोई है नहीं, और नहीं उससे तो बड़ा कोई अभी आया नहीं। ये तो हो गया हैंड स्किल का काम, दूसरा थ्योरी में बताओ कैसा बताया आपको? थ्योरी में सब समझ में आया सर, जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाता है, डायग्राम को रीड कैसे करें, कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज भी दिया गया है, कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, हालांकि वो छोटा टॉपिक लगता है लेकिन नॉलेज उसी पर डिपेंड सब कुछ है। यहाँ पे हार्डवेयर पढ़ाए, थ्योरी पढ़ाए, अभी सॉफ्टवेयर एमएमसी पढ़ा रहे, ऐसा तो कोई चीज में कमी दे रहे हैं ऐसा तो आपको नहीं? क्योंकि आप तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, सही से परख सकते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट उतना नहीं जान पाता चीजों को, तो आप कैसा यहाँ पे रहा बाकी का एक्सपीरियंस? बाकी का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, अभी तौफीक सर जो सॉफ्टवेयर के क्लासेस ले रहे हैं तो सॉफ्टवेयर भी इतने आसानी से पढ़ा रहे हैं, वो एमएमसी के जो पार्टीशन हो या फिर हेल्थ हो या फिर उसके प्रोग्रामिंग करना हो, वो भी बहुत आसानी से ऐसा सभी को समझ में आ रहा है, फ्रेशर स्टूडेंट है उनको भी समझ में आ रहा है। हम जब जाके हॉस्टल में डिस्कस करते हैं तो सभी बोलते हैं कि हाँ ये बहुत आसान लग रहा है, कि हमने ऐसा तो देखा ही नहीं था, बहुत हार्ड लगता था पहले, अब ये जब सिखा रहे हैं तो बहुत आसान लग रहा है। अच्छा ये बताइए, इतने स्टूडेंट्स हैं सारे बैच में, 20 बच्चे रहते हैं हमारे पास जी, सब लोग कर रहे हैं क्या, खाली आप अकेले उनसे कराए काम? नहीं, सभी लोग कर रहे हैं ना, अभी आज तो डबल डेक कर दिया है, आज सक्सेस हो गया हमारा भी, इससे पहले सभी के ऑन सेट दिए थे जो कि सीपीयू एमएमसी रिवॉल्व करके सभी ने ऑन किया है फिर से फोन, वो सबने किया ऑन, ब्लैक पेस्टेड भी दिए, व्हाइट पेस्टेड के भी दो दो स्क्रैप बोर्ड दिए, ऑन नहीं, ऑन तो 4G का देते अपन, ठीक है, बाकी तो सब पे एक आइडिया हो गया होगा अभी कैसे काम करना है। बिल्कुल, अभी जाके अच्छे लेवल पे काम कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे लेवल पे, अभी कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि जाके अभी बैठ के कहां से वैसे कर सकते हैं। हम लातूर से हैं, महाराष्ट्र में ना, एक दो अल्फाज मराठी में बोलो थोड़ा सा, आपको जो अच्छा लगा वो बोल दो। या ठिकाणी जे शिकवलं जातं ना, एकदम सोप्या पद्धतीने आणि सरळ पद्धतीने शिकवलं जातं, जेणेकरून एकदा फ्रेशर असेल किंवा थोडंसं काम जरी येत असेल त्याला, तर तू ॲडव्हान्स लेवलमध्ये जाऊ शकतो इथे येऊन, आणि दुसरीकडे जाण्याचा प्रयत्न जर करत असाल तुम्ही तर थोडंसं इथे पण येऊन डेमो बघा तुम्ही, जर बघितलं तुम्हाला आवडलं तर करा, खूपच छान आहे यांचं शिकवण्याची पद्धत, आणि खूपच हाय लेवलमध्ये तुम्ही जाचाल, आणि चांगल्या लेवलमध्ये पैसे जर कमवायचे असतील तुम्हाला तर इथे तुम्ही नक्कीच या, नक्की भेट द्या या इन्स्टिट्यूटला। वा, जो भी बोला भाई, व्हेरी गुड, थँक यू व्हेरी मच, व्हेरी बेस्ट ऑफ लक। तो एक बार यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, थोड़ा इसका भी लाइव ले लेते हैं, क्या बोलते हैं, ये बंदा गुजरात से है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारा 27 नवंबर का बैच यहाँ पे, एक बार सब लोग हाय बोल दो भाई, सब लोग कैसे हैं सब लोग, पॉजिटिव थिंक है कि नहीं, एकदम डाउन हो गए? कितना दिन हो गया अपने को आज? 12 दिन हो गया, क्या क्या कर लिया अभी तक? अभी हमारा सॉफ्टवेयर का क्लास चल रहा है आपका, चल रहा है। कैसा पढ़ा रहे सर? तो आज क्या स्पेशल है बताओ? डबल डेकर। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो सागर सर आज ये क्या करने वाले अपन, थोड़ा सा बताइए। डबल डेकर बोर्ड्स है, एकदम फ्रेश बोर्ड्स है, जो ये बोर्ड्स के अंदर थोड़े ऑन भी रहते, थोड़े डेड भी रहते, और थोड़े रैम के इशू के अंदर भी रहते, और सभी बच्चे जो है इसको निकालेंगे और रिवॉल्व करेंगे और प्रॉपरली फिक्स करेंगे, कैसा है इसके अंदर जस्ट प्रैक्टिस करेंगे सभी लोग, तो उसके बाद जो भी उनका फ़ोन से उन लोग कर ले सकते हैं बहुत इजीली। इन लोगों को ऑलरेडी सारा मेथड बताया हुआ है, तो पहले
नॉन पेस्टेड के अंदर काम कराए, उसके बाद रिवॉल्विंग सिखाए प्रॉपरली, उसके बाद जो है उनको ब्लैक पेस्टेड बताए, वाइट पेस्टेड बताए। अभी जो है आज देने वाले हैं हमारे तरफ से ड्यूअल टेकर की बोर्ड सब लोगों के लिए, और ये बोर्ड जो है फ्रेश बोर्ड है, कोई बोर्ड टच करा हुआ नहीं है, कोई ऑलरेडी निकाला हुआ नहीं है। कैसा है ये बोर्ड पूरा? देखो भाई एक बार देख के बताओ, अभी तक बोर्ड जो है फ्रेश कंडीशन के बोर्ड है, अभी तक जो दिए कुछ काम करे हुए तो नहीं दिए ना, ऐसा फ्रेश ही दे रहे। देखो ऐसा फ्रेश शील्ड पतरा निकले हुआ है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ऐसा डुअल डेकर का ओनली रैम निकाल के ऑन फोन बना के दिया आपका डबल डेकर सीपीयू वगैरह बताए ना, इजी ट्रिक लगा? अच्छा एक बात बताओ, आपको जो प्रैक्टिकल करा रहे कैसा है हैंड स्किल सर का? अच्छा है। तो ये बताओ ऐसा बनाने के लिए अपने को टाइम लगता है कि नहीं लगता? लगेगा। तो अभी आप लोगों को जितना बेस्ट दे सकते थे इजी ट्रिक में, सीपीयू रिवॉल्व करना हो या आईसी लगाना हो, सब बताए ना अभी। तो अभी अगर ये डबल डेकर का बोर्ड, एक एक बोर्ड तो दे रहे हैं अभी, तो जाने के बाद यहाँ से इस पे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑन करके बता सकते सब लोग? अभी तो ये पैक फोन ही दे रहे हैं, इसमें कुछ ऑन भी है कुछ डेड भी है, क्योंकि अगर नया फोन खरीदेंगे नया बोर्ड तो 4000 के आसपास मिलता है, ठीक है। तो अपन ये फ्रेश बोर्ड लेके आए थे, अगर आप बाहर खरीदने गए तो 1500 रुपए में मिलता आपको। तो सब जनों को एक एक दे रहे हैं, इससे पहले ब्लैक पेस्टेड दे दिए, व्हाइट पेस्टेड के दे दिए, ये भी दे रहे। जो बोले थे दिए ना कि नहीं दिए भाई? देखो ये बताते इसलिए कि हम हर स्टूडेंट को देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट किसी भी इंस्टीट्यूट में इंडिया के अंदर कोई भी नहीं देते, सिर्फ अपन ही देते, क्योंकि बच्चों का हैंड स्किल बनना भूल के। अगर ये भी नहीं दिए तो ये भी नहीं दे सकते, लेकिन आपको सीखने कुछ नहीं मिलता फिर, समझ रहे? यहाँ करके बता दिए आप देख के चले जाते, तो आप लोग हाथ से कर रहे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ रहा ना इसमें, तो सब ये भी हाथ से करेंगे। अभी आप फेसबुक में देखते जितने पुराने स्टूडेंट है डेली के डबल लेकर 100% बना के डालता फ्रेशर बच्चा भी, आप में से जो फ्रेशर है आप भी ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अभी इसको खोलेंगे, क्लीन करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, सब लोग क्या करना, सारे टूल्स रेडी है? तो एक बार बता देते खोल के ये, ठीक है। चलिए एक बार सबके लिए क्लैप्स करिए जोरदार, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बैठ जाओ, आगे फटाफट दे देते, ठीक है, बैठ जाओ। हेलो, जैसा आप देख रहे अभी हमारा जो स्टूडेंट है नवंबर 27 बैच के, नाम बताओ बेटा तेरा? वरुण, गुजरात से। किधर से है? गुजरात। गुजरात से। अभी जो है ड्यूअल टेकर का ऑन बोर्ड है, इसके अंदर ड्यूअल टेकर सेफली रिमूव करेगा और फिक्स करेगा, ये अभी कर सकता? जी सर। सिखाया हुआ है तेरे को? जी सर। ओके राइट, स्टार्ट करेंगे। तो बोर्ड खोल देना, पहले आउट कर दे। साइड सभी लोग काट दो अपना अपना। तो फिर चारों तरफ का प्रॉपरली काटना, रबड़ शीट उठा लो।
मतलब 18 इयर्स के हैं इनकी एज में, बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं होता कि करना क्या है, तो एक बार इनसे मिलाना चाहूंगा मैं। थोड़ा सा एक बार उठो भाई साहब, आप थोड़ा कहाँ से बताओ? मैं गुजरात से हूँ, मेरा नाम वरुण। वरुण है गुजरात से, कहाँ से? बड़ौदा से। अभी 18 साल के हो गए भाई ना, ठीक है, तो ये काम सीखने आए यहाँ पे। और अभी कितना दिन हो गया आपने को? ये अपना 13 दिन है। 13 दिन हुआ यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक बोर्ड देख रहा हूँ मैं पीछे, ठीक है, तो इसमें क्या काम किया आप थोड़ा सा बताओ? इसमें डबल डेकर था, डबल डेकर बन दिया था, चालू था पैक पीस दिए, ऐसा तो नहीं पहले से काम करे हो? सील, सील भी, सील पीस मतलब सबको सील ही दिए जी सर, ठीक है। उसमें अभी किसी पे काम करे हुआ तो नहीं था? नहीं सर। तो क्या क्या करे इसमें अभी आप? इसमें रैम निकाला पहले, ठीक है, सीपीयू निकाला, ठीक है, रिबॉल करके वापस सेट किया। तो जब आए थे तो क्या कभी माइक्रोस्कोप पे काम करते थे? करते था पर इतना सारा। तो यहाँ पे पहले रिवॉल्विंग सिखाया आपको जी सर, फिर ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड सिखाए, वो भी ऑन करे जी सर। और अभी क्या करे इसमें काम? सीपीयू रैम निकाल के लगाए, ऑन हुआ सेट, हाँ सर। तो एक बार देखेंगे वो भी जी सर। बाकी अभी तो चलो पहले ऑन करके ही बता दो, देख लेंगे सारा ऑन हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इधर आना भाई, देखो लाइव इधर बताओ, लगाओ डिस्प्ले, लगाओ डिस्प्ले से चेक कर लो। ये पूरे इंडिया में शायद हो सकता है इतना 18 साल की उम्र में अभी तक किसी भी इंस्टीट्यूट में एक बच्चा ऐसा लाइव डबल लेकर क्लास में बताते हुए आप आज तक नहीं देखे होंगे। यहाँ पे इधर बताना भाई एक बार इसके लिए सब लोग जोरदार क्लैप, इधर 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 लो, इधर देखो भाई क्या सबसे छोटा उम्र का है डबल लेकर इन्हें लाइव। अच्छा ये बताओ लाइव बनाया इन्हें? आवाज नहीं आ रही? देखो भाई आज आप लोग नहीं बनाए, जाके 100% बना लेते, दूसरे के लिए तो खुश होना है, होना कि नहीं? तो एक बार आप दिल से मारो थाली। तो सबसे कम एज का है बंदा बना लिया, तो दूसरे के लिए क्या बनाए भाई? अपन खुश होना है। तो ये आपके सामने लाइव बनाए ना ये, थोड़ा उधर बताओ भाई। बोर्ड तो नहीं चेंज कराए पक्का? चलो इसी से पूछ लेते भाई साहब, इधर बोर्ड तो चेंज नहीं करे? नहीं सर। तुम लाइव बनाए ना ये जी सर? तो कहाँ से है तुम? मैं गुजरात से। गुजरात से कैसा फील कर रहे हैं अभी? बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा फील कर रहे हैं जी सर? तो ये खुद हाथ से खोले ना सीपीयू रैम सब सब सब? क्या कहना चाहेंगे सर साथ में ठहर के पढ़ा रहे? ऐसा पूरे इंडिया में कहीं पे देखे क्या ऐसा बनाते हुए? नहीं सर। टीचर साथ में धैर्य बना रहे हैं कहीं पे नहीं देखे ऐसा? नहीं सर, टीचर का सपोर्ट बहुत अच्छा है। और अभी ये वीडियो आपके घर वाले भी देख रहे होंगे, तो चेहरे पे थोड़ा स्माइल रखो, ऐसा तो नहीं कि डरा के बोल रहे? नहीं सर, नहीं सर, दिल से बोल रहे जी सर। कैसा लग रहा अभी? बहुत बहुत बढ़िया। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बेटर। तो गुजरात से इतनी दूर फोन फिक हैदराबाद क्यों आ गए भाई? सीखने के लिए। अच्छा सीखना हो तो किधर से? गुजरात में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में भी है, मुंबई में, वहाँ नहीं गए, यहाँ क्यों आ गए फोन फिक्स? इधर मैं छह महीने से देख रहा था यूट्यूब पर, इनका रिव्यू भी अच्छा लगा, और दो तीन जन से पूछा भी तो अच्छा रिव्यू है, इसके लिए सर इधर आ गया। खुल रहा है, थोड़ा टाइम लेता, खुलने दे। बाकी अगर गुजरात से कोई आना चाहे तो गुजराती में बोलो। तमें आवा मांगता हो तो आई जाओ, एकदम कम्प्लीट छे, शिखवाड़े भी एकदम शिखवाड़ी देशे, डबल डेकर भी जय श्री। तब फ्रेशर हो तो भी तमें शिखवाड़ी देशे, 20 दिवस में शिखवाड़ देशे तमें बधु। कितना दिन हो गया अभी अपने को? ये अपना 13 दिन है। अच्छा ये बता तेरे को दूसरे गुजरात में दिल्ली में वहाँ नहीं गया, यहाँ पे क्या अलग लगा तेरे को यहाँ? इधर ऑन बोर्ड देते है और लैब में काम कराते है, इसके लिए सर इधर आना पड़ा। सारे बोर्ड दिए जो बोले थे जी सर? ऐसा तो नहीं है कि वो छुपा लिए? नहीं सर, दो ब्लैक पेस्टेड, दो व्हाइट पेस्टेड और एक डबल डेकर का। एक ऑन 4G का फाइले भी दिए थे, सीपीयू करे वो भी करे ऑन करे उसमें भी जी करे। अच्छा अभी कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा फील हो रहा है जी सर? ठीक है, एक बार इनके लिए सब लोग थोड़ा एक बार क्लैप्स कर दो भाई, थैंक यू वेरी मच। खुल रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता, उसको चार्जर लगा दे, खुल जाता है। ठीक है, थैंक यू, चार्जर लगा कर खुल जाता, थोड़ा टाइम लेता अभी। ठीक है भाई, थैंक यू।